हम लोग सामान्य विज्ञान की फिस में देख रहे हैं वन लाइनर में, तो विकास के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो याद रखिए नीले और लाल रंग के अवयव। अगला है क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो याद रखिए -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 का प्रतिशत लगभग होता है? तो याद रखिए 0.72%। अगला है भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कवालपुर तमिलनाडु में। अगला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में। अगला है कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है इमारतों को नहीं? तो याद रखिए न्यूट्रॉन बम। अगला है किसान खाद कही जाती है? तो याद रखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो। अगला है पूसा जय किसान जिसका सोमा केलोन है तो भारतीय सरसों सरसों का। अगला है पेलोफॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा है 11%। अगला है गन्ने में पहला झंडा झुलसा किस पादप पोषक तत्वों की कमी में पैदा होता है? तो याद रखिए मैग्नीज तत्व। अगला है कैम प्लांट्स में रंध कब खुलते हैं? तो याद रखिए रात्रि के समय। अगला है TPS तकनीक किस फसल से संबंधित है? तो ये आलू बीज विकास से। अगला है देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही जिसके पितामह जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में और डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट वर्लॉग विश्व में रहे? तो गेहूं गेहूं में सोनरा 64 लार्मारोही प्रजातियों द्वारा। अगला है श्री तकनीक प्रयोग की जाती है धान के लिए। अगला है टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन। अगला है किस वैज्ञानिक ने पोलिनियम तत्व की खोज की थी? तो याद रखिए मैडम मैरी क्यूरी ने। अगला है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। अगला है LPG में मुख्यता होता है? तो याद रखिए मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन। अगला है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। अगला है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। अगला है किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो एवं रखिए याद रखिए केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला है डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का। अगला है औद्योगिक रूप से पॉलीथिन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो याद रखिए एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। अगला है सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र हैदराबाद में। अगला है रिफ्लेक्स एक्शंस का नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। अगला है CAT का अर्थ है? तो याद रखिए कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी। अगला है कोलोजन किसका घटक है? तो स्किन का। अगला है खानों के अंदर अधिकांश विस्फोटक किन गैसों के मिल जाने से होता है? तो याद रखिए मीथेन और वायु। अगला है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। अगला है फिलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। अगला है त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति है जिसे CS2342 के नाम से पहचानित किया जाता है किस फसल की प्रजाति है? राई लहा। ठीक है। अगला है अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व होता है? NO2। अगला है धान की कौन सी वोनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित हुई? गोविंद प्रजाति 1982 में। अगला है एग्रोनॉमी एग्रोस नोमोस
सस्य विज्ञान किस भाषा के शब्द से विकसित हुए? ग्रीक। अगला एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीट फील्ड, कल्चर कल्टीवेशन, फील्ड कल्टीवेशन शब्द है लेटिन भाषा से। अगला लवणीय मृदा में विनियमनशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। अगला है लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनियमनशील सोडियम की मात्रा होती है तो 15% से कम अधिक 15% से अधिक। अगला है अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 7.7 से कम। अगला है क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 7.0 से अधिक। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग 3% क्षेत्र वर्षाधीन है तो 60%। अगला है कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। अगला है भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आपातकाल कितना होता है? 24 घंटे। अगला है परिक्रमा अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। अगला है गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो बढ़ता है। अगला है बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है? पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना। अगला है लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आयरन आयरन ऑक्साइड बन जाने से। अगला है रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। अगला है हमारा शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब ना होने का क्या कारण है? पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते। अगला है जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहां लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वेरी 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 वेरी। अगला है देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की? डॉक्टर आर एन सिंह द्वारा। अगला है HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता है? तो याद रखिए उच्च गुणवत्ता प्रोटीन लाइसिन में धनी ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता। अगला है नाना किस फल की प्रजाति है? अनार। अगला है आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई? तो याद रख दशहरी नर और नीलम मादा मादा। अगला है आम की नई संकर प्रजाति H311 किसके क्रॉस से बनी है? तो अल्फोंसो और नीलम से। अगला है आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2019-2009 में किन प्रजातियों क्रॉस से विकसित हुई? आम्रपाली वनराज। अगला है दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई है? बेल। अगला है DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? डिप्थेरिया कुकर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए। अगला है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं तो प्रोटीमियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। अगला है किस तत्व की द्रव्यमान संख्या ये है? परमाणु संख्या जेड है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी तो A-Z अपनी प्रोटॉन की जेड फिर इलेक्ट्रॉन की जेड। अगला है कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के परिता एक चक्र पूरा करता है? बुध। अगला एक व्यक्ति भार में लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है इस दशा में उसका त्वरण होगा? तो जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला एक हेक्टर क्षेत्रफल बराबर होता है तो याद रखिए 10,000 वर्ग मीटर। अगला एक एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है तो याद रखिए 43,560 वर्ग मीटर। अगला नीली क्रांति का संबंध है तो मत्स्य उत्पादन से। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन में क्रांति से। अगला है भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है हमारा विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह हैं या जनक? तो डॉक्टर N.E. वॉरलॉग। ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट वॉरलॉग मैक्सिको के थे। 2009 में 95 वर्ष की उम्र में इनका देहा वो आसान हो गया था मृत्यु हो गई थी। ठीक। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी आई
ARI इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ? 1955। अगला ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई 1929 में 16 जुलाई को। अगला है हमारा कृषि प्रसार में T&V ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974 में। अगला है देश की प्रथम सरसों संकर विकसित हुई तो NRCHV 506 भरतपुर केंद्र राजस्थान से। अगला है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? तो याद रखिए विस्फोटक की भांति। अगला है रात्रि में दिखने के लिए कौन से तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं? तो ये अवरक्त तरंगे। अगला है पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने में। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाला पथरी मुखता बनी होती है? तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति। अगला है हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो है लुईस पास्टियोर ने। अगला है तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण। अगला है ओम इंटू मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? वह विशिष्ट प्रतिरोध का। अगला है नियासीन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? फिलांकिया रोग। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य क्या स्थापना हुई? तो याद रखिए सितंबर 1985 में। अगला है देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास हेतु MFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया जुलाई 1988। अगला है PPRC पेडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बदलकर अब किस नाम से जाना जाता है? IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ये थंजावुर तमिलनाडु में। अगला है हमारा NMPPB नेशनल मीट पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड को कब स्थापित किया गया? 20 जनवरी 2009 को। अगला है देश में वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ जिसमें आत्मनिर्भरता हासिल हुई एवं नया कीर्तिमान स्थापित हुआ तो 241.6 मिलियन टन। अगला है देश में वर्ष 2010-11 के दौरान अब तक का रिकॉर्ड दलहन उत्पादन देश में हुआ तो 181 लाख टन। अगला है वर्ष 2010-11 के दौरान चावल उत्पादन का लक्ष्य 1020 लाख टन का रखा गया था जो वास्तविक चावल उत्पादन रहा 953 लाख टन। अगला है भूमि के जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन नहीं हो और सिंचाई संतुलन रूप से हेतु किस सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना होगा? तो यह याद रखिए फुब्बारी सिंचाई या ड्रिप सिंचाई ड्रिप। अगला है सिंचाई की नई विकसित पद्धतियों में कौन सी पद्धति आती है जिसमें 25 से 40% सिंचाई जल की बचत होती है अपेक्षाकृत पुरानी पिछले देसी पद्धतियों के हैं? इसमें डीप सिंचाई एवं स्पेंकलर सिस्टम। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से। अगला है LPG में होता है तो द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखिए। अगला है कैलोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? ये टाइफाइड के उपचार में। अगला है क्या क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगला है किडनी में बनने वाले पथरी में अधिकतम पाया जाता है? तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला है रक्त ग्लूकोज लेवल सामान्य तक किस मात्रा में प्रदर्शित किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। अगला है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण। अगला हमारा ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अगला हमारा रेबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। अगला है भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली ने वर्ष 2010 में किस तारीख माह में स्थापना दिवस पर कृषि विज्ञान को डीजी डॉक्टर एस अयपेन द्वारा नई खोजों हेतु पुरस्कार वितरित किए गए? तो याद रखिए 16 जुलाई 2010 को स्थापना हुई थी इसकी, 16 जुलाई 1929 को। अगला, कृषि मंत्रालय में डेयरी कब स्थापित हुई? डियर, तो ये हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, तो ये दिसंबर 1973। अगला है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1993 में। अगला, देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? 570। अगला है, नार्म स्थित हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एंड नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने एकड़ के बराबर होता है? तो याद रखिए 2.47109 एकड़। अगला, नत्रजन तत्व की कमी का कौन सा सूचक पौधा है? तो फूल गोभी या पात गोभी। अगला, पोटेशियम तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है? आलू। अगला है, बोरोन तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है? सूरजमुखी। अगला है, लोहा तत्व की कमी को सूचित करने वाला पौधा है? फूल गोभी, पात गोभी, आलू, जई। अगला है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? वग। अगला है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन कैसे बदलता है? तो याद रखिए 0 से 0 डिग्री सेल्सियस तक घटता है, फिर बढ़ने लगता है। अगला है, पाद से किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। अगला है, दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। अगला है, न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। अगला है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E = mc का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। अगला है, कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड। अगला है, यदि माता पिता का रक्त ए है उसके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? रक्त ग्रुप ए होगा। अगला है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला है, हमारा एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा। अगला है, DPPQ&S मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा। अगला है, DPPQ&S डायरेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज के अधीनस्थ LWO लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन टिड्डी नियंत्रण अनुसंधान हेतु राजस्थान के किस शहर में वायरलेस कम्युनिकेशन का मुख्यालय स्थित है? तो याद रखिए जोधपुर में। अगला है, तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है? तो याद रखिए तिल को। अगला है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? दूसरा, चीन के बाद। अगला है, तिल को फसल को फाइलोडी रोग नियंत्रण हेतु IT है तो तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। अगला है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य है? पश्चिम बंगाल। अगला है, NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? तो रबी की फसल में 1999 से 2000 में। अगला है, ACAB एग्री क्लिनिक्स एग्री योजना सेंटर स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई वर्ष 2002 में। अगला, KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? 21 जनवरी 2004 को। अगला है, मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर ऑनलाइनर में।